स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है आज की मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम जानेंगे आज की बड़ी और ताजा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिहार के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि ये दिन बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसकी 150वीं जयंती इस वर्ष मनाई जाएगी। अपने बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार में 1 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 रुपए प्रति किलो की दर से धान खरीद की शुरुआत हो चुकी है। वहीं जहानाबाद जिले में आज से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 15 फरवरी तक चलेगी। जिले में धान खरीद की शुरुआत आज से होनी है, ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इच्छुक उम्मीदवार आज तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत देश की शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। आज देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं और शेयर बाजार में भी अवकाश रहेगा। बता दें कि गुरु नानक जयंती के चलते ये अवकाश है। वहीं इसी बीच बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके अलावा कमोडिटी बाजार और करेंसी एक्सचेंज पर भी कामकाज बंद रहेगा। हिमाचल में आज माता शिकारी मंदिर के कपाट बंद होंगे। अधिक बर्फबारी के चलते ये फैसला लिया गया है। बता दें कि इसको लेकर शिकारी देवी मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ एसडीएम धुनाग रमेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मंदिर के कपाट बंद करने का फैसला लिया गया है। लखनऊ में आज गोमती आरती होगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। गोमती महाआरती व सनातन समागम इस बार की कार्तिक पूर्णिमा यानी आज होगी। इस वर्ष मनाई जाने वाली ये 131वीं माँ गोमती महाआरती होगी, जिसके साथ ही दीप उत्सव मनाया जाएगा। ठंड का मौसम आते ही मध्य प्रदेश में मेलों का दौर भी शुरू हो जाता है। अगले 4 से 5 महीनों में प्रदेश भर में कई बड़े मेले लगेंगे, जिनमें लाखों लोग शामिल होंगे। राजधानी भोपाल में भी बड़ा मेला लगेगा। बता दें कि भेल दशहरा मैदान पर भोजपाल महोत्सव मेले का आयोजन किया जाएगा। आज से प्रारंभ होने वाला भोजपाल मेला सस्ते सामानों के लिए विख्यात है। अयोध्या में 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा व कार्तिक पूर्णिमा मेला की वजह से आज भी अयोध्या रोड पर डायवर्जन लागू किया गया है। हालांकि एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, शव वाहन व फायर सर्विस समेत इमरजेंसी वाहनों को इजाजत दी जा सकेगी। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से परीक्षण उड़ान शुरू हो जाएगी। आज से शुरू होने वाला ये परीक्षण करीब 1 माह तक चलेगा और इस दौरान विमानों के उतरने और उड़ान भरने का सिलसिला जारी रहेगा। आज से मौसम में परिवर्तन हो सकता है, इसके चलते हल्की ठंड का कहर देखने को मिलेगा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंदौर में अगले सप्ताह भी हल्की ठंड का असर रहेगा और तापमान सामान्य के आसपास ही रहेगा। वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फांसी दी गई थी। आज ही के दिन 1964 में भारत की 16वीं लोकसभा में सांसद पंकज चौधरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1982 में सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2000 में झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। आज ही के दिन सन 2020 में प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।